निकल वाले बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रीति शर्मा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जिस निकल की बात कर रहे हैं मुझे उस पर गर्व है, संघ की संस्कृति वो नहीं समझ पाएंगे। वहीं उपचुनाव के लिए दिग्विजय के प्रचार में नहीं जाने को लेकर पीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं, वो जनता के बीच जाएंगे तो वोट कट जाएंगे। जहां पर वो दरबारी थे जिस परिवार के, उस परिवार को भी इसी निक्कर ने इस देश के अंदर उस विचार नहीं खत्म कर दिया जो गांधी जी कह गए थे कि कांग्रेस को खत्म करना चाहिए, जो नेहरू जी ने कहा था कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा, तब भी मैंने कहा था, कमलनाथ जी ने कहा था कि भाजपा का संगठन मेरे टारगेट पर है, तब भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि नेहरू जी के उस वक्तव्य को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के अंदर कहा था कि नेहरू जी मुझे ये नहीं पता कि जनसंघ को आप कब खत्म करें, कब कुचल देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिसके दिमाग में विचार आया है उस विचार को जरूर हम समाप्त कर देंगे। और आज समाप्त हो रहा है, कांग्रेस इस देश के अंदर समाप्त हो रही है, अस्तित्व खो रही है। तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं है, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, तो हो सकता है उसका प्रभाव हो, लेकिन मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि कम से कम उनको यह लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है हमारा, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में, यहां तक लाने में, चाहे मैं निक्कर पहन करके बढ़ाऊं या जैसे भी आगे आकर के, जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिम्मेदारी दी है, तो मेरे संगठन का, मेरे नेतृत्व का मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं इस काम को करने के योग्य हूं। कमलनाथ जी से न मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, न कमलनाथ जी मुझे अगर पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं तो इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरा मध्य प्रदेश मेरे देश के अंदर या मध्य प्रदेश के मेरे लोग, मेरे कार्यकर्ता मुझे जरूर पहचानते हैं क्योंकि हम दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। तो ये तो दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहिए, वो पहले ही कह चुके हैं मैं जाऊंगा तो वोट कट जाएंगे। तो ये तो कांग्रेस के अंदर खुद ही इस बात को, दिग्विजय सिंह अप्रासंगिक हो गए हैं और खुद ही उन्होंने वक्तव्य दिया है, तो ये तो आप लोग ही सोच सकते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह क्यों नहीं जा रहे, जाए ना जनता के बीच में, तो 2003 जनता को याद आ जाएगा, वही सड़क बिजली पानी फिर याद आ जाएगी, वही दिग्विजय सिंह का गुंडीजी याद आ जाएगा, उसी दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अपराधीकरण के एक पर्याय बन गए थे वो याद आ जाएगा।